जब हम दिल्ली जाके मिले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मिले और उन्होंने हमें मिलवाया, चौधरी देवीलाल यूसुफ लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो फिर तो लाट टपने लगी मंत्री बनेंगे। छोटी सी उम्र थी क्या, 35 साल की सारे। उसे अलग बुला कह दिया था, मैदान तुमने कोई लोबिंग लोबिंग नहीं करनी, अच्छा मैं तेरे को कुरुक्षेत्र जिले की तरफ से मंत्री बनाऊंगा। वो सिगरेट पिया करते थे, अच्छा उसे मैं भी पी लेता, बैठ मैदान पे डी पी, तो हम देखते रहे हमारा नंबर कहाँ था, कहीं नहीं आया, आना ही नहीं था। जो ऑफिसर थे वो इनकी कम मानते थे, अच्छा तो हमारी कम मानने थी। अच्छा, जैसे 87 में आप MLA बन गए, जी जी, तो मंत्री मंत्री बनने की तो सोची नहीं होगी इस समय आपने। नहीं, मुझे उसी वक्त जब हम दिल्ली जाके मिले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मिले और उन्होंने हमें मिलवाया, चौधरी देवीलाल यूसुफ लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हम वहाँ गए मिले, चौधरी देवीलाल जी को ग्लूकोज लग रहा था, बैठे हुए थे, मिलाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ये कैथल से बन गया, हाँ हाँ कॉमरेड जानता हूँ, ये हैं जी दो तीन। तो उस वक्त मुझे ओम प्रकाश चौटाला ने ना उसी वक्त कह दिया, अभी चौधरी देवीलाल ने वो तो नहीं ली थी, उसे अलग बुला कह दिया था, मैदान तुमने कोई लोबिंग लोबिंग नहीं करनी, अच्छा मैं तेरे को कुरुक्षेत्र जिले की तरफ से मंत्री बनाऊंगा। अच्छा, मेरी कोई लालसा नहीं थी, मैं तो MLA बन के खुश था। हाँ कह दिया बनाऊंगा, और खुश होगा मैं, अच्छा जी, तो फिर तो लाट टपने लगी मंत्री बनेंगे। हाँ, छोटी सी उम्र थी क्या, 35 साल की सारी। लेकिन उन्होंने बनवाया नहीं पहली ओथ में, हम तो सोच रहे तैयार हो गए थे पहली ओथ में, कपड़े सिलवा लिए थे ना, कपड़े नहीं सिलवाए थे, वैसे तैयार हो गए भाई ओथ दिलवाएंगे आज, उस दिन दिल्ली में ओथ थी, चौधरी देवीला ने हरियाणा भवन में ओथ ली थी। हाँ, तो 6-7 आदमी फिर बनाया, संपत सिंह, सूर्य वीरेंद्र सिंह, कृपाराम पुनिया, प्रोफेसर कृपाराम पुनिया जी को तो अपना बेटा ही मानते थे ना। हाँ, उनको तो पहले नंबर पर दिलवाई थी, वीरेंद्र सिंह को पहले नंबर पर दिए, फिर संपत सिंह फिर दिए थे, उसके बाद एक और थे क्या नाम उसका, प्रोफेसर थे जो जीन से बने थे MLA, उनको भी दिलवाई थी। तो बहुत 5-6 MLA को दिलवाई थी, BJP के भी लिए थे, और जॉइंट थी ना 6-7 बस। फिर हम देखते रहे हमारा नंबर कहाँ था, कहीं नहीं आया, आना ही नहीं था। हाँ, तो हमने फिर आज तो नहीं छोड़ी, जो ओम प्रकाश चौटाला से कहते रहे वो बस अगली वक्त में करवा दूँ। फिर वो सरकार तो 87 में जैसे आई थी पूरी, लास्ट में हाल तो बुरा ही हो गया वो। हाँ, आप देखो कि जब चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हटाया था गवर्नर ने, हाँ उस वक्त माइनॉरिटी में हो गई सरकार, तो आपको इस पूरे टर्म में किसी में भी, क्योंकि राज कई आए पहले नहीं, जब मास्टर हुकुम से मास्टर चौधरी लाला नरसिंह गुप्ता जब थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मुझे शुगर फेडरेशन का चेयरमैन बनाया। अच्छा, और फिर वो चौटाला साहब बने, फिर मास्टर हुकुम सिंह बने, फिर चौटाला साहब बने, मास्टर हुकुम सिंह ने मंत्री बनाया था, आपको मंत्री बनाया था। अच्छा, नवम्बर 1990 में, नवम्बर थोड़े से दिन के लिए मंत्री रहे आप, 1990 बने थे। अच्छा, मास्टर हुकम सिंह कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया इंसान थे, साफ बहुत साफ सुथरे नेक इंसान थे। अच्छा, बहुत शरीफ आदमी थे, 101% ईमानदार। कोई अनुभव हो आपका, याद हो उनके से जुड़ी हुई कोई? क्या बताएं जी, वो मैं गया एक दिन काम के लिए उनके पास। अच्छा, पीछे CM ऑफिस में जो रिटायर रूम है उसमें बैठे थे। हाँ, वो सिगरेट पिया करते थे। अच्छा, उसको तो मैं भी पी लेता। हाँ, बैठ मैदान में डी पी, रोटी रोटी घर से मंगा लेते, जितने लोग बैठे सबको खाना खिलाते, घर तो रोटी आ गई थी, उनके घर से खाना आता था, जितने लोग बैठे हैं 10 MLA बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सबको खा लो भाई। अपना परिवार तो रखा नहीं करते चंडीगढ़ में? ना, परिवार ही घर से खाना तो आता था, खाना उठी तो सीएम सीएम वाले को। हाँ, बड़े नेक इंसान थे, बहुत नेक। हाँ, घर पे भी कभी चले गए तो बैठ गए खाना खा के जाना, काम कुम तो बेचारे जितना कोशिश करते थे उनके उनके ही नहीं होते थे, हमारे क्या चौटाला साहब कर नहीं देते थे काम, बस ऐसे ही दादी जो ऑफिसर थे। हाँ, वो इनकी कम मानते थे। अच्छा, तो हमारी काम मानने से हम तो धक्के खा होके लोकसभा में उसमें सॉरी सचिवालय में। हाँ, और विधानसभा में अपना आ जाते थे, लोग जो साथ होते थे देखो कोशिश कर ली, हमारी तो ये हालत थी कि कहते हैं कि एक बार वो जंगल में चुनाव हुए और बंदर बन गया। हाँ, बोले भाई मेरी भागदौड़ में कोई कमी होता तो हम वही करते थे। हाँ, हम सबको बुला लेते थे आ जाओ।